रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी व जननायक जनता पार्टी के संभावित गठबंधन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन दोनों पार्टियों का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। हरियाणा में मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच में है, लेकिन फिर भी वे आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देश को बचाने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है। न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ रोहतक से दीपक खोखर की रिपोर्ट। कोई मायने नहीं है, मैं समझता हूँ कि देखिए जो केजरीवाल जी की स्टेटमेंट आई थी कि बीजेपी को हराना बड़ा जरूरी है देश को बचाने के लिए, मैं उस स्टेटमेंट का सम्मान करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो हरियाणा के मतदाता अपने विवेक से जो उनकी स्टेटमेंट है कि बीजेपी को हराना बहुत महत्वपूर्ण है, उस स्टेटमेंट को समझते हुए जो है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, जज्बा की बात है, उनका कोई जनाधार, कोई इतना व्यापक जनाधार कोई है नहीं हरियाणा प्रदेश में। उनकी बात का हम सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का, मगर जो एक बड़े गठबंधन की बात आई थी उससे असहमति इसीलिए व्यक्त करी थी मैंने, क्योंकि दोनों पार्टी जजपा और आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा अभी कोई हरियाणा के अंदर जज्बा नहीं है।